गाजियाबाद में वार्ड नंबर 63 में विकास कार्य ना होने से लोगों ने सरकार और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय के क्षेत्र में योगी सरकार विकास नहीं करा पा रही है और ना ही नगर निगम के अधिकारी उनकी समस्या सुनते हैं। लोगों ने कहा कि वार्ड में सड़क का निर्माण होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विकास कार्य ना होने के कारण नाले का पानी सड़क पर आ जाता है। क्षेत्र के स्कूली बच्चों को निकलते समय कीचड़ में से गुजरना पड़ता है। वहीं पार्षद पति मोहम्मद रिजवान का कहना है कि नगर आयुक्त बदले की भावना से ऐसा कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि अखिलेश सरकार में मिस कॉल देने पर समस्या पूछ लेते थे, लेकिन अब नगर आयुक्त फोन भी नहीं उठाते। अगर आयुक्त फोन उठा भी लेते हैं तो वह खुद को मीटिंग में व्यस्त बताकर फोन काट देते हैं। पार्षद ने बताया कि वह समाजवादी पार्टी से सभासद हैं, इसलिए ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। ना तो अधिकारी सुन रहे हैं और ना ही विकास कार्य हो पा रहे हैं। नगर निगम के अधिकारी मुख्यमंत्री की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। विकास के कार्य सिर्फ कागजों में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से राकेश वर्मा के साथ जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। आपका मौलाना अब्दुल कादिर। वार्ड नंबर कितना है ये? वार्ड नंबर 63। अच्छा, वार्ड के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं? वार्ड के अंदर सारी समस्याएं हैं जो वार्ड नंबर मोहम्मद रिजवान पार्षद हैं, इसके जो चुनाव के टाइम समस्याएं वादा किया था कि हम लोग नालियाँ बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, अब तक की बार बार प्रयास कर रहे हैं, नगर आयोग से बार बार बात रख रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, भेदभाव किया जा रहा है उनके साथ, कोई नाली नहीं, कोई रोड नहीं बनी, गलियां और नाली जो रास्ते ख़राब हैं, इन तमाम स्कूल जाने वाले बच्चे बार बार गिर रहे हैं, उनकी परेशानियाँ हैं, उनको चोट लग रही, गरीब जनता है वो समस्याएँ उनके लिए खड़ी हुई, वो पैसा उसी पर खर्च हो रहा। हम बार बार, हमारे पार्षद जी ये बात कई मरतबा कह चुके हैं, कई मरतबा प्रयास की, अपनी बात रखी नगर आयोग से भी, हमारे वार्ड में जो समस्याएं हैं, नाली की है, रोड की है, सीवर से जो पानियां निकल रहा है, ये समस्याएं दूर की जाएं, मगर अब तक की कोई समस्या दूर नहीं की गई। क्या कारण माना जा सकता है इसमें? नगर निगम की लापरवाही है या फिर कोई नगर आयुक्त का पक्षपात है, क्या मामला है इसमें? लापरवाही भी नगर निगम की है और जो नगर आयोग आए हैं, भेदभाव है उनके अंदर, और ये सरकार बार बार इस बात को कह रही कि हम सबका साथ सबका विकास, मगर फिर ये भेदभाव जो नगर आयोग साहब हैं क्यों ऐसी तानाशाही कर रहे हैं, जो मुस्लिम इलाके में, मुस्लिम बहुल इलाके में क्यों काम नहीं हो रहा, हमारी ये समस्या नगर आयोग से बार बार, मगर इन बातों को नहीं सुन रहे हैं, और जो पार्षद जी फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, इसलिए उनसे ये भेदभाव का मुस्लिम इलाकों में काम नहीं कर रहे। नूर अल्फा। वार्ड नंबर कितना है ये? 63। अच्छा, क्या पूरा मामला, क्या समस्या है वार्ड में? पूरा मामला ये है, सीपरों में से पानी निकल रहा है, हमारे दरवाजे में पानी भर रहा है, हमारे छोटे छोटे बच्चे इतना हम लोग कमा नहीं पाते, इतना दवाइयों में फेंकते हैं हम लोग। अच्छा। पानी में से निकल कर जाते हैं हम लोग सब जन, हमारे बच्चे भी। अच्छा, क्या अच्छा अच्छा, और क्या समस्या है इसके अलावा? इसके अलावा बस यही, बस रोड ही बन जाए तो कोई समस्या ही नहीं, नाली बन जाए, रोड बन जाए। अच्छा। तो समस्या सबरी खत्म हो जाएगी। अच्छा, रोड बनवाने के लिए आपने इससे पहले किसी को शिकायत दी? शिकायत दी, इनके पास गए और फिर मऊ में गए, कोई सुनवाई नहीं। क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ नहीं, क्या कोशिश कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। कितना समय हो गया आपको शिकायत दी हुए? शिकायत दी हुए हो गया मैं 5-6 महीना हो, अभी दिक्कत तो अभी 8-9 महीने से हुई है, शिकायत तो हम पहले से ही कर रहे हैं, 2 साल से ही कर रहे हैं शिकायत तो हम। नाम है आपका? जी मोहम्मद रिजवान। वार्ड नंबर कितना है ये? 63। अच्छा, क्या समस्या है वार्ड में? समस्या ये है कि यहाँ के लोग जो कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जी रहे हैं, और हमारे यहाँ फड़के हैं तो नाली नहीं, नाली हैं तो फड़के नहीं, आज इस कदर इतनी हालत ख़राब है कि आपने देखा ये माहौल, इस रोड की कहानी देखी है कि लोग पानी में घुस घुस के निकल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी नहीं जा पा रहे हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, एक बूढ़ी माँ है वो परसों तरसों गिर के गटर में उनकी टांग टूट गई, सारी बस्ती वालों ने मिलकर उनके चंदा करा के इलाज कराया, नगर आयुक्त जी को फ़ोन करते हैं 10-10 कॉल हो जाती है, फ़ोन नहीं उठाते नगर आयुक्त साहब, नगर निगम में बिल्कुल तानाशाह हो चुके हैं जब से नगर आयुक्त साहब आए हैं, पहले भी ये जो नगर आयुक्त साहब थे उनके आने से पहले तो अभी थोड़ा बहुत काम हो रहा था, जब से ये आए तो बिल्कुल नगर निगम बिल्कुल तानाशाह हो चुकी है, कोई भी काम नहीं हो रहा है, मुफलिम इलाकों में जितना भी काम होना आज की डेट में 0/0 है। अच्छा, क्या माना जा सकता है, नगर आयुक्त का पक्षपात है या फिर और कोई मामला है, क्या है मामला? नहीं, नगर आयुक्त साहब का पक्षपात है, मैं महापौर जी को कहूँ या किसी और को कहूँ उनका कोई पक्षपात नहीं है, केवल नगर आयुक्त साहब हैं, पार्षदों के फोन नहीं उठाते और तानाशाह हैं। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।